अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है दी अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। 4,500 करोड़ रुपए के बाइक बोर्ड घोटाले के एक बड़े घोटालेबाज बीएन तिवारी पर आज मेरठ ईओडब्ल्यू ने शिकंजा कसी दिया। घोटाले के करीब 2 साल बाद आज लखनऊ गोमती नगर स्थित उसके घर की कुर्की शुरू कर दी गई है। मौके पर भारी फोर्स तैनात है। इससे पहले इस महाघोटाले से बीएन तिवारी ने पल्ला झाड़ने की कोशिश की थी। अग्रिम जमानत के लिए डाली गई याचिका में बीएन तिवारी ने कहा है कि इस घोटाले से उसका कुछ लेना देना नहीं है। जिस वक्त यह केस पुलिस फाइलों में दर्ज हुआ था तब भी उसका नाम नहीं था। निवेशकों से भी उसकी कभी कोई मुलाकात नहीं हुई और न ही उसने कोई प्रलोभन निवेशकों को दिया है। कंपनी में धनराशि निवेशित किए जाने के दौरान भी उसका कंपनी से कोई संबंध नहीं था। यह भी कहा गया है कि उसे यानी बीएन तिवारी को झूठे आरोप में फंसाया गया है। इन सब दावों को आधार बनाते हुए बीएन तिवारी ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। वहीं अदालत को बताया गया कि बीएन तिवारी के खिलाफ वर्तमान में 61 मुकदमे बाइक बोर्ड घोटाले से संबंधित दर्ज हैं। विशेष न्यायाधीश सूरजपुर ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद तिवारी की याचिका को खारिज कर दिया है। इनके साथ ही रविंद्र कुमार, सुनील प्रजापति, रेखा रानी आदि की जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई है। बेहद गंभीर बात यह है कि इस घोटाले को उजागर हुए करीब 2 साल होने जा रहे हैं, लेकिन जेल में बैठे ग्रवित इनोवेटिव प्रमोटर्स कंपनी के MD संजय भाटी को बाहर रहकर मदद पहुंचाने के आरोपी व घोटाले के मास्टरमाइंड बीएन तिवारी और संजय भाटी की पत्नी दीप्ति बहल को पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। वहीं बाइक बोर्ड के दादरी स्थित कार्यालय पर धरना जारी है। आर्थिक अपराध शाखा नोबेल बैंक के चेयरमैन विजय कुमार शर्मा को भी गिरफ्तार कर चुकी है। करीब 2 साल पहले ग्रवित इनोवेटिव प्रमोटर्स कंपनी ने बाइक बोट नाम से बेहद लुभावनी स्कीम लॉन्च की थी। इसमें निवेशक को करीब 61,000 रुपए कंपनी को देने थे, जिसकी एवज में कंपनी ओला व उबेर की तर्ज पर बाइक बोट को सड़क पर उतारना था। बदले में हर माह करीब 10,000 रुपए निवेशक को मिलने थे। इस स्कीम को बड़े जोर शोर से शुरू किया गया, जिसका असर यह हुआ कि लाखों की संख्या में निवेशकों ने इसमें अपने गाढ़े पसीने की कमाई लगा दी। शुरू में कुछ निवेशकों को कुछ किस्तें मिली, लेकिन बाद में वह मिलना बंद हो गई। 1 साल बाद के चेक दिए गए जो बाउंस हो गए। निवेशकों ने विभिन्न प्लेटफॉर्म पर धरना प्रदर्शन किया तो संजय भाटी ने बेहद सुनियोजित तरीके से समर्पण कर दिया। तब से लगातार उन लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है जिन्होंने अपनी लोक लुभावन बातों के लालच में फंसा कर भोले भाले लोगों से रकम इस स्कीम में लगवाई थी। बीएन तिवारी और संजय भाटी की पत्नी दीप्ति बहल, जो इस घोटाले में पूरी तरह से सम्मिलित बताए जाते हैं, पुलिस पकड़ से बाहर है। गिरफ्तारी का क्रम तेज होने पर बीएन तिवारी ने अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की। इस याचिका में बीएन तिवारी की तरफ से कहा गया कि उसके द्वारा कोई कूट रचित प्रलेख तैयार नहीं किए गए हैं और न ही कोई चेक अथवा एग्रीमेंट निवेशकों के पक्ष में जारी किया है। उसके द्वारा कोई आर्थिक लाभ भी नहीं लिया गया है। यह बीएन तिवारी का लिखित पक्ष था, अब निवेशकों का पक्ष। निवेशकों के अधिवक्ता ने कहा कि बीएन तिवारी ग्रवित इनोवेटिव प्रमोटर्स में 14 फरवरी 2017 से 8 फरवरी 2018 तक एडिशनल डायरेक्टर पद पर कार्यरत रहा। इससे पहले कंपनी के लिए लोगों को प्रेरित करने के साथ ही इसका कमीशन वह प्राप्त करता था। अधिक लाभ पाने के लिए एडिशनल डायरेक्टर बन गया और जब भंडाफोड़ होने लगा, रिपोर्ट दर्ज होने लगी, तो पद से इस्तीफा दे दिया। आरोप है कि बीएन तिवारी को कंपनी और कंपनी की कारगुजारियों की पूरी जानकारी थी और उसकी बराबर संलिप्तता भी रही है। इस पर विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम गौतम बुद्ध नगर ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। निवेशकों के अधिवक्ताओं ने अदालत में उन 61 केसों का भी हवाला दिया था जो बीएन तिवारी के खिलाफ दर्ज कराए गए हैं। आर्थिक अपराध शाखा मेरठ के अपर पुलिस अधीक्षक राम सुरेश यादव ने बताया कि बीएन तिवारी की गिरफ्तारी के काफी समय से प्रयास किए जा रहे थे। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह अग्रिम जमानत के लिए भी अदालत गया, लेकिन वहां से उसे राहत नहीं मिली। फिलहाल अब उसके घर की कुर्की की जा रही है। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।